बेल्जियम के एंटवर्प स्टेशन जो कि है कैथेड्रल ग्रैंड मार्केट स्क्वायर कैसल के सामने पूरा एक ग्राउंड लगा रही थी, शॉपिंग भी कर ली यहाँ से। हेलो, वेलकम टू माय चैनल अक्कू यात्रा, और मैं खड़ी हूँ बेल्जियम में, बेल्जियम के एंटवर्प स्टेशन पे। पीछे आप मेरे देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी यात्रा है वो पूरी एंटवर्प की है, पूरी ये सिटी हम लोग घूमने वाले हैं। और तो हमारी यात्रा से जुड़े रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो हम लोग हैं नीदरलैंड के स्टेशन पे और हमारी ट्रेन ये खड़ी है हमारे पीछे। बस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे कंट्री में, बेल्जियम में। ये थोड़ी सी सस्ती ट्रेन है, स्टॉप ट्रेन है, और यहाँ से बस नेक्स्ट स्टॉप में बेल्जियम स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सस्ती ट्रेन है, सस्ती ट्रेन। इतने सस्ते में आप विदेश नहीं घूम सकते। हम लोग की आने जाने की टिकट टोटल 10 यूरो की पड़ी है, और अगर आपके पास नीदरलैंड का सब्सक्रिप्शन है कोई तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसे ये टिकट आई थिंक 15 यूरो की थी, बट वो डिस्काउंट का 10 यूरो की पड़ी है। तो सस्ती जर्नी के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये हमारे ट्रेवल पार्टनर ये बैठे हुए हैं सब लोग फिर से आगे। सही बात है, मतलब इतनी जगह हम लोगों ने ट्रेवल किया लेकिन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं देखा है। मल्टी लेवल रेलवे स्टेशन आज तक नहीं देखा ऐसा। ट्रैक एक ट्रैक ये है ट्रेन का, एक ये है, सबसे नीचे है ये। आई थिंक तीन लेवल से ट्रैक, तीन लेवल है इनका। हाँ। अलग अलग आती है कि इंटरनेशनल ट्रेन नीचे चलती है, ये ऊपर डोमेस्टिक वाली है, और बीच का हाँ इसका पता नहीं। ये मेट्रो की लाइन है, नीचे से आप मेट्रो ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। और हमारे पीछे है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको यहाँ घूमने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक मैप दिया है इन लोगों ने, और अंदर एक लेडी बैठी थी, उन्होंने सब एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ से कितने मिनट की वॉक है, कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें घूमनी है। तो यहाँ से आपको एक मैप मिल जाएगा और जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आसपास के उनकी डिटेल्स बता देंगे वो। तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हैंडी और ईजी हो जाएगा आपको। हाँ, तो अगर आपका आपको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ जाना है तो आप यहाँ से आके इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते। अभी हम लोग यहाँ पे है ना सेंट्रल स्टेशन, यहाँ से सीधे जाना है। ये वाला जो एरिया है ये पूरा अलग अलग चर्च और म्यूजियम और ये टनल है यहाँ पे, सब मार्क कर दिया है टी टनल। और ये कोई स्ट्रीट है, बहुत कह दी, बहुत सुंदर सी स्ट्रीट है यहाँ पे। ये स्ट्रीट है, ये बोटानिकल गार्डन है, यहाँ पे कुछ मार्केट लगता है सैटरडे को, वो बता दिया है। दिस इज ये कोई हाउस है फेमस वाला, चेक करते हैं, बट मेन एरिया ये वाला ही है। ओके, और सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है? हाँ, 20 मिनट वॉकिंग है, बाकी ये वाला एरिया तो वॉकिंग पे ही होगा। ओके, लेट्स सी। रुको, मेरे पास वीडियो है। अरे पीछे पैंट में पड़ा था आई थिंक, वो गिर गया, बैग वैग इधर उधर करने में। वो स्टेशन है,
अभी मैप है केवल दिमाग में, अभी केवल दिमाग में है कि हमें कहाँ जाना है। ये कोई बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत, इसका नाम नहीं पता है। डेविड भाई है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कैथेड्रल, इसके सामने खड़े हैं। तो हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ एक कैथेड्रल तो होता ही है और इसके अंदर हम लोग जाते ही हैं। आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देख ली होंगे, तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर से ये कैसा है। और अब हम लोग जा रहे हैं चर्च के अंदर। हम खड़े हैं ग्रैंड मार्केट में, मार्केट स्क्वायर। और ये थोड़ा बहुत ब्रसल्स का जो ग्रैंड मार्केट था, मार्केट स्क्वायर, उससे मिलता जुलता है ना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा वो ज़्यादा रॉयल लुक वाला था। बस सिमिलर ही है। तो अभी मैं हूँ कैसल के सामने, और कैसल के अंदर जाने के लिए मे भी टिकट्स हों, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि हमें आज ही वापस जाना है नीदरलैंड। तो देखते हैं अंदर जाते हैं कि नहीं, बाकी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। इधर पीछे एक म्यूजियम है, तो मे बी हम लोग वहाँ पे जाएं। म्यूजियम के अंदर अगर आपको जाना है तो उसकी टिकट्स लगेंगी, लेकिन अगर आपको स्काई व्यू देखना है तो उसकी टिकट्स नहीं है, आप जाके वैसे भी स्काई व्यू देख सकते हैं। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जाएं या ना जाएं।
हम लोग म्यूजियम के टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा, लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप भी देख सकते हैं पीछे। चलिए इस फ्लोर का पूरा एक राउंड लगाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ से व्यू कैसा है। तो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली हैं और बस अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपनी, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो चलते चलते बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली यहाँ से और बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं स्टेशन और स्टेशन से वापस नीदरलैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दूर छोटा सा दिन और ज़्यादा सी ठंड बढ़ गई है थोड़ी। हाँ, तो हम लोग की हालत देख के लग रहा होगा ना। तो फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय। We'll be right back.